क्योंकि मैंने अपना स्टेरिलाइजेशन कराया, वैसेक्टोमी जिसको भी कहते हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं नसबंदी। आप कंसीव करते हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंसेस बहुत होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, तो उन सबको कम्प्लीटली फुल स्टॉप करने के लिए है मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो मैं कराता हूँ वैसेक्टोमी। जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसमें गलतियां होती हैं, और वो हुई। अबॉर्शन जब कराया, शी वेंट थ्रू अ सिचुएशन, भैया देखो कंसीव तो कर ही लिया था ना, वो एक दो हफ्ते के अंदर भी बॉडी के अंदर चेंजेस आ चुके थे बहुत सारे, और उस सिचुएशन को मैं देख रहा था मेरी वाइफ के साथ होते हुए। दो से तीन हफ्ते के अंदर हो जाती है। क्यों आप वैसेक्टोमी कराते हैं, क्यों स्टरलाइजेशन कराते हैं? क्योंकि आपको उसके बाद बच्चा नहीं चाहिए, और आप विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी कॉन्डम्स और एनी प्रोटेक्शन, आप अपना सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं।